जी हाँ दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो भाई उपेन यादव छत्तीसगढ़ भर्ती परीक्षा के परिणाम को जारी करवाने के लिए उनका संघर्ष जारी है और उन्होंने जो परसों संघर्ष किया था उसके बारे में, और साथ ही रीट के परिणाम कब तक आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होंगे, नियुक्ति प्रक्रिया कब तक पूरी हो पाएगी, इसको लेकर भाई उपेन यादव लाइव हैं। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, पूरी वीडियो देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो भाई सुने उपेन यादव को। साथियों अध्यापक भर्ती के जो परिणाम का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहूँगा, 2012 से लेकर जो तमाम भर्तियाँ हुई है 2016, 2018, 2021 हर भर्ती में मैंने साथ दिया। 18 वाली भर्ती को कैसे मैंने पूरी करवाया आप मेरे सोशल मीडिया पर देख सकते हो, यही लोग अटकाने वाले, यही आचार संहिता में ले जाने वाले यही लोग थे, लेकिन उस भर्ती को बचाया, उन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग करवाई, सब तब उन लोगों के मैं साथ था। आज भी अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थियों के साथ में हूँ। साथियों कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव से उस समय बात हुई, दो आरएस अधिकारी उस समय बात हुई जो कर्मचारी चयन में जो कर्मचारी अधिकारी है। इसके बाद कल चेयरमैन हरिप्रसाद शर्मा जी से बात हुई और कल शिक्षा मंत्री जी से बात हुई। शिक्षा मंत्री जी ने हमारे सामने उनको फोन किया था और शिक्षा मंत्री जी ने उनको फोन किया था तो उन्होंने ये कहा कि मई के एंड आज जून के फर्स्ट सप्ताह में हम परिणाम जारी कर देंगे। साथियों एक चीज बताओ, हमें कल मई के लिए आश्वासन दिया था, मैंने ट्वीट किया था, परसों दिया था, और कल मंत्री जी से बात हुई आपको झूठ बोलना, क्योंकि लोग झूठ बोलते हैं। अब सवाल उठ रहे हैं, कई लोगों ने कहा कि अप्रैल का फर्स्ट और सेकंड वीक के लिए आप लोगों ने पहले बोला था, तो इस चीज़ का खंडन मैं बहुत पहले कर चुका हूँ। अप्रैल का फर्स्ट और सेकंड वीक दो कारणों से मैंने बोला था। एक कारण तो यह था कि उस समय चेयरमैन का ही कहना था कि आपत्तियां ज़्यादा नहीं आई तो हम फर्स्ट या सेकंड वीक में जारी कर देंगे, लेकिन 78,000 आपत्तियां आने के लेट हो गया। दूसरा कारण मैं अप्रैल के फर्स्ट और सेकंड वीक मैंने इसलिए बोला था क्योंकि उस समय फर्स्ट ग्रेड के अभ्यर्थियों को जगाना जरूरी था, क्योंकि उस समय लोग मांग कर रहे थे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का परिणाम पहले जारी किया जाए, उनकी ज्वाइनिंग पहले की जाए, जिससे थर्ड ग्रेड के अभ्यर्थियों को फायदा हो। इसलिए मैं जानबूझ के फर्स्ट और सेकंड वीक के लिए लगातार मैं बोल रहा था। क्यों बोल रहा था? इसलिए बोल रहा था कि जिससे आप लोग जागो और आप अपने अधिकारों के लिए लड़ो कि फर्स्ट ग्रेड का परिणाम आए। उसके बाद आप लोगों ने सोशल मीडिया पे तामझाम, यानी कि आपने बड़ा माहौल बनाया और आवाज उठाई, क्योंकि आपको जगाने के लिए, और जगाने के साथ साथ चेयरमैन ने बोला था कि जो हर भर्तियों में आती है इतनी आपत्तियां नहीं आती थी, उन्होंने कहा कि फर्स्ट या सेकंड वीक में जारी कर देंगे, लेकिन हुआ क्या, आपत्तियां इतनी आ गई जिसके निस्तारण में वो लगे, और बोर्ड ने समय लगाया आपत्तियों के लिए, मान लो अप्रैल महीना। तो मैं इस बात को गलत नहीं मानता, क्योंकि आपने देखा होगा पीटीआई भर्ती में लोगों ने ले जाके कोर्ट में उस भर्ती को जिस प्रकार रुक गई है, तो काफी लोग अभी भी तैयार बैठे हैं। परिणाम जारी होने के बाद, आज इस बात को नोट कर लेना, परिणाम जारी होने के बाद एक गैंग बनी हुई है जिसको आप रद्दी गैंग कह सकते हो, भर्ती अटकाऊ गैंग कह सकते हो, जो लोग सोशल मीडिया पर जो माहौल बना रहे हैं। आप बताइए, हजारों बेरोजगारों में 125 बेरोजगार अध्यापक भर्ती कहे और वही उनको वेटेज मिला जो पीटीआई भर्ती को मिला। आपकी मांग मजबूती से उठाई, आपकी वार्ता मजबूती से करवाई, मंत्री से और अधिकारियों से आपकी वार्ता करवाई, अलग डेलीगेशन को मंत्री से अलग मिलवाया, अलग पीटीआई का अलग मिला, आपका अलग मिला, और हर सवाल का जवाब मंत्री जी ने दिया, मंत्री जी के सामने बिठाकर आपकी बात करवाई। अब 10 मई को अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थियों को क्या लाभ हुआ, मैं आपको बता दूं। साथियों कई लोग कह रहे हैं, मैंने आपको पहले भी लाइव में बताया था कि जिला स्तर पर दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की जाए। कई लोग कह रहे हैं कि हर भर्ती में जिला स्तर पर होते हैं, तो मुझे आप बता दो, कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा का, एक वी भर्ती परीक्षा का, उन्होंने जिला स्तर पर करवाया है क्या? क्योंकि पहले माध्यमिक बोर्ड ने रीट पात्रता ली, उसके बाद थर्ड ग्रेड की जो फोरम जो 2021 की बात कर रहा हूँ बीकानेर निदेशालय ने करवाया, तो उनके द्वारा ही जिला पर दस्तावेज सत्यापन का कार्य करवाया गया था। लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आप देख लीजिए, कोई भी भर्ती परीक्षा हो, चाहे वो कंप्यूटर निदेशक हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे प्रयोगशाला सहायक हो, परिणाम जारी करने के बाद कर्मचारी चयन बोर्ड ने शेड्यूल जारी किया है और विभाग से कर्मचारी लेकर और दस्तावेज सत्यापन का काम उन्होंने जयपुर में करवाने का काम किया है, जिला स्तर पर नहीं हुआ। इसलिए कर्मचारी चयन बोर्ड अपने नियमों में बदलाव करे, क्योंकि 48,000 इंटू जो दो, यानी कि 96,000 जो लोग हैं,
इन बड़ी संख्या है तो उसमें समय लग जाएगा, जयपुर में कराएंगे तो बाहर करवाए। तो सबसे अच्छी चीज जो निकल के आई साथियों, मान लीजिए परिणाम 20 या 25 मई तक आ जाता इस महीने, तो आप लोग बहुत खुश थे, ठीक है ना। और वे दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया धीरे से करवाते, वो मान लो यहाँ करवाते अपने नियम अनुसार, और उसमें 2-3 महीने लगाते, क्या वो आपको मंजूर था? आज ये 5 दिन 7 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं, अंतिम समय स्तर पर आपका काम चल रहा है, ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया किसी प्रकार से कोर्ट में ना उलझे, कोई ले जाकर जो कहेंगे कोर्ट में ना अटकाए। मैंने इसलिए, आप ध्यान से सुनना, अध्यापक भर्ती की जो अभ्यर्थी है इस बात को ध्यान से सुनना, मैंने कहा मई के अंतिम सप्ताह में आता है तो बहुत अच्छी बात है, और फर्स्ट में आता है तो अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि साथियों 1 जून से जून महीना पूरा न्यायालय का जो बेंच होती है ग्रीष्मकालीन के अलावा न्यायालय कोर्टिंग बंद रहेगा, अवकाश रहेगा। जो रद्दी गैंग जो इस भर्ती को लटकाना चाहेंगे वो जून महीने में कुछ नहीं कर पाएगा, जून महीने में हम काफी प्रक्रिया पूर्ण करवा लेंगे। और ये जो लोग आज कह रहे हैं, सबसे बड़ी बात 10 मई का एक ये फायदा हो गया, उन्होंने ये कहा कि आप सोच रहे हो उससे ज्यादा तेज गति से हम दस्तावेज सत्यापन करवाएंगे, इसके लिए उन्होंने पूरी रणनीति बना ली है। यानी कि साथियों एक तो 10 मई को जाने से एक तो सरकार के संज्ञान में मामला आया, एक शिक्षा मंत्री जी ने के सामने आपके अभ्यर्थियों ने कहा कि साहब आचार संहिता में भर्ती अटक जाएगी, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी चाहते हैं और हम चाहते हैं और हम लोग आचार संहिता यानी कि जो अक्टूबर में लगेगी हम सितंबर से पहले ही आप लोगों को ज्वाइनिंग दे देंगे। तो साथियों शिक्षा मंत्री जी ने पॉजिटिव कहा और कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारियों ने कहा कि हम तत्काल, हम लोग चाहते हैं परिणाम के साथ आपका कैलेंडर जल्द जारी करके आपका दस्तावेज सत्यापन करवाकर, और जल्द से जल्द, क्योंकि जब मैं मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव से मिला था उनके बाद वहां से उनके पास फोन भी आया था कि सीएमओ से लगातार हमारे पास फोन आ रहे सरकार चाहती है। तो साथियों 10 मई को आप लोग पहुंचे तो एक तो दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया तेज होगी, और एक हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सितंबर से पहले जुलाई अगस्त में आप लोगों को ज्वाइनिंग करवाने की, यानी कि जो आचार संहिता का डर था उसके लिए साफ मना कर दिया कि हम उससे पहले आप लोगों को ज्वाइनिंग देंगे। जो तमाम लोग पूछे उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और वो लोग सच्चाई जरूर बताई इन लोगों को जो घर बैठे थे, जो लोग माहौल बना रहे हैं। मैंने पूरा उस गर्मी में, खुले में उस गर्मी में मैं वहां आप सबके बीच में खड़ा रहा, उस गर्मी को सहन के आपके बीच में खड़ा रहा। 1111 फीट का इतना लंबा ज्ञापन हुआ, अतिरिक्त जो भी खर्चा जो भी हुआ जो मेरे साथियों ने जो किया, लेकिन अध्यापक भर्ती के किसी व्यक्ति भी नहीं कहा कि इतना बड़ा ज्ञापन बनाया कि आप इसमें सहयोग करिए, ना मैं किसी को कहता हूँ ना कहा ना कहूँगा, 11 साल में नहीं कहा। मेरा काम ये नहीं है कि पेटीएम फोन पे ये डाले, नहीं नहीं डाला ना डालूंगा, मैं निस्वार्थ युवाओं के बिना स्वार्थ के आप लोगों की सेवा करता हूँ, वहां मैं खड़ा रहा धूप में, और क्या क्या वार्ता मैंने आप लोगों को बता दिया। इसलिए साथियों यदि आपको सच किसने बताया, मई एंड और जून के प्रथम सप्ताह के लिए शिक्षा मंत्री जी को चेयरमैन हरिप्रसाद शर्मा जी ने बोला, हमारे सामने उन्होंने कल फोन किया था, इसलिए आपको सच बताना मेरा कर्तव्य था, मैं आप लोगों को अंधेरे में नहीं रख सकता। लेकिन यह भी सत्य है पीटीआई भर्ती हो चाहे अध्यापक भर्ती हो चाहे तमाम भर्तियां हैं उनकी ज्वाइनिंग तक मैं ही साथ रहूंगा, जो लोग सोशल मीडिया पे माहौल बना रहे हैं वो एक भी साथ नहीं आएगा। आपने देख लिया होगा जब वो लोग वहां इकट्ठे हुए तो 125 लोग निकले और माहौल बनाने वाले 1000 थे लेकिन नहीं पहुंचे। और जैसे ही आप संकट में आओगे आपकी ज्वाइनिंग का मामला आएगा, जहां भी कहां आप संकट में आओगे तो ये लोग आपका साथ नहीं देंगे, गायब हो जाएंगे। ये केवल सोशल मीडिया के वीर हैं, रजाई वीर हैं, इनसे आप बच के रहें, क्योंकि 12 से लेकर अभी तक जितनी भर्ती हुई उसमें मैंने हर युवा का साथ दिया। तो आप लोग चिंता ना करें, 7 जून का प्रोग्राम है, मुख्यमंत्री जी